अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम फिक्स पॉइंट इटरेटिव मेथड की दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x³ + x-2=0। अब हम इसको फिक्स पॉइंट इटरेटिव मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ से हमने 2x³=2 - x लिखा, यहाँ से x³=2 - x/2 लिख लिया, और यहाँ से x की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ली। अब हमने इसको g ऑफ x लिख लिया और इसका डेरिवेटिव लिया। अब जब डेरिवेटिव लिया तो अब हमने इसका इंटरवल फाइंड करना होता है जिसके दरमियान में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट, आप अगर इसका इंटरवल फाइंड करें इसका, तो आप देखेंगे कि जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं ज़ीरो, मैं यहाँ पे इसका इंटरवल फाइंड कर लेता हूँ, जब हम इसमें ज़ीरो पुट करें तो ये रिजल्ट आता है -2। यानी हमने जब x की वैल्यू ज़ीरो ली है तो f ऑफ x जो है वो -2 आ रहा है। अब जब मैं इसकी वैल्यू ले लूं -1 ले लूं यहाँ पे, तो इसका जो रिजल्ट है वो आ रहा है 2+1 - 2, दैट इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरवल है वो अपना साइन बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो है ये एक्स जो है वो 0 और 1 इंटरवल के दरमियान आ रहा है। अब स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव जो है वो <1 आ रहा है, मीन ये कि आप 0 और 1 के दरमियान से कोई एक वैल्यू उठाएं। सपोज आपने 0.1 चूज कर लिया। अब 0.1 को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, उसकी पावर लें, 1 से डिवाइड करें तो आंसर, उसका मॉड लें तो आंसर हमेशा 1 से लेस आ रहा है। इसलिए स्टूडेंट, इसके ऊपर ये जो हमें एक्स की वैल्यू है इसके ऊपर फिक्स पॉइंट मेथड को अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे हम जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो इस टर्म को हम लिख देते हैं xn+1, और दूसरी साइड पे हम xn लिख लेते हैं इस स्टेप में। इसके बाद हम चूज कर लेते हैं f(n=0). जब हम 0 चूज करेंगे तो यहाँ x₁=x₀/2^1/3, और यहाँ पे x₀ जो है, यहाँ पे मैंने 1 चूज किया, लेकिन आप इसके सेंटर से चूज करें, मीन 0 और 1 के दरमियान में से कोई एक वैल्यू लें। 1 यहाँ पे चूज किया, 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से आंसर x₁ का ये निकला है। फिर इसके बाद n की वैल्यू जब 2 ली है तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करने से रिजल्ट ये आता है। अब x₁ की वैल्यू हम पहले से यहाँ से नाउन है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो जो रिजल्ट x₂ का आ रहा है वो ये है। इसी तरीके से फिर हम n=3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू दोबारा यूज करेंगे और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, एटलीस्ट जब हमारे जो वैल्यू है वो रिपीट होना शुरू हो जाए। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपसे ये पूछा जाए कि up to 3 decimal place या up to 4 decimal place, तो आप उस स्टेप पे पहुंच के जहां पे आपकी प्रीवियस वैल्यू जो है जो नेक्स्ट वैल्यू से मैच करना शुरू हो जाए 3 decimal या 4 decimal तक, आप वहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारे पास ये जो x है इसको इसी तरीके से नहीं, हम और भी तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी और तरीके से इसको फाइंड किया जाए, लेट सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करता हूँ x=2 - 2x³, तो अब इसको अगर मैं g ऑफ x कह दूं, अब इसका डेरिवेटिव लूं, तो अब स्टूडेंट आप देखेंगे अगर मैं चूज करूं कोई वैल्यू 0 और 1 के दरमियान से, सपोज मैंने ले लिया 0.5, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास हमेशा जो है वो ग्रेटर देन
वन ही आएगा, यानी जब उसका हम मॉड लेंगे तो वो ग्रेटर देन वन आएगा। तो इसके लिए ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये जो है फिक्स पॉइंट मेथड के लिए ठीक नहीं है रिजल्ट। इसलिए आप जब एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो ये कंडीशन लगा के उसको चेक किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।